एक बार मैं वापस से सारी बातें डिस्कस कर लेता हूँ। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो है हेनरीज लॉ, जिसमें हमने देखा कि किसी भी कंपोनेंट, यानी कि अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड अगर हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो हम एक हेनरीज कॉन्स्टेंट के एच लगाते थे कुछ इस तरीके से, और एक इक्वेशन तैयार होता था। सेम ऐसे ही हमने रॉल्ट्स लॉ लिखा, रॉल्ट्स लॉ में हमने देखा कि पी ए इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और जब हम इस बार प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें मिलता है पी ए नॉट इन टू एक्स ए, कुछ इस तरीके से। फिर अगला आया डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ में हमने देखा फिर से पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन इस बार वेपर की बात थी तो हमने वाई ए लगाया था, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन था उसे हटाने पर पी टोटल आया था हमारे पास एक पॉइंट। ये रहा अभी तक के तीन लॉ जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। पहला वाला लॉ यानी कि हेनरी लॉ तब काम करता था जब किसी गैस को लिक्विड में मिलाया जाए। राउल्ट्स लॉ तब काम करता था जब किसी लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाए, और डाल्टन्स लॉ काम करता था किसी गैस इन गैस टाइप के सॉल्यूशन के लिए। हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, तीन लॉ अभी तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम सॉल्यूशन को राउल्ट्स लॉ के बेस पर डिवाइड करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बेस पे हम सॉल्यूशन को दो तरीके से डिवाइड करने वाले हैं। पहला है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन हमारे पास हैं। हेडिंग भी चेंज कर देता हूं मैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स के लॉ के बेस पे हमने सॉल्यूशन को दो तरीके से डिवाइड किया। पहला सॉल्यूशन है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इससे पहले कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करें, एक छोटा सा सवाल है मेरे दिमाग में, मैं सोच रहा हूँ पूछ लेता हूँ। पूछ लूँ? पक्का? चलो, मैं यूपी से एक लीटर पानी भर के लेके आया, जैसे नोनी घर से लेके आती है एक लीटर पानी भर के और यहाँ से फिर भर के लेके जाती है बॉटल में, तो मैं यूपी से एक लीटर पानी भर के लेके आया और दिल्ली से भी एक लीटर पानी ले लिया, दोनों पानी को एक बड़े बॉक्स में मिला दिया, बड़े से बॉटल में। अब बताओ पानी कितना लीटर हो गया? 2 लीटर। चलो सेम यही चीज़ दूसरी तरीके से करता हूँ। मैं यूपी से एक लीटर दूध लेके आया और यहाँ एक लीटर पानी मिला दिया उस दूध के अंदर, अब बताओ सॉल्यूशन कितने लीटर का हुआ? 2 लीटर। लेकिन अब 2 लीटर नहीं है, ऐसा नॉर्मल लोगों को लगेगा कि एक लीटर दूध को एक लीटर पानी में मिलाया जाए तो 2 लीटर होता है, बट चूँकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि नहीं, ये 2 लीटर तो नहीं होता। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी दो लिक्विड एक दूसरे में मिलाया जाए तो उनसे 2 लीटर एग्जैक्टली, एक एक लीटर अगर मिलाए तो एग्जैक्टली 2 लीटर बनेगा या 2 लीटर से ज़्यादा या कम बन सकता है। तो जब भी कभी सेम टाइप की चीज़ें आपस में मिलाई जाए, जैसे 2 वाटर आपस में मिला दिया गया, चाहे वो यहाँ का वाटर हो चाहे कहीं और का वाटर हो, तो दोनों वाटर ही है, तो उस केस में वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। एक लीटर बॉटल ए से लिया है, एक लीटर वाटर बॉटल बी से लिया है, दोनों को मिलाया तो टोटल 2 लीटर बन जाएगा।
बशर्ते अगर आपने सब्सटेंस चेंज किया है, कंपाउंड चेंज किया है, जैसे मिल्क, एक लीटर मिल्क लिया है और एक लीटर वाटर लिया है, या एक लीटर अल्कोहल लिया है और एक लीटर वाटर लिया है, तो इस बार दोनों को मिलाने के बाद 2 लीटर एग्जैक्टली हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब अगर मान लो 2 लीटर हो गया तो क्या होगा, और 2 लीटर नहीं हुआ तो क्या हुआ। इन केस अगर सॉल्यूशन आपको एग्जैक्टली उतना ही मिलता है जितना कैलकुलेशन से आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, तो समझ लेना वो सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन है। यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग अगर आपका 0 हो गया किसी भी सॉल्यूशन में, तो तुरंत समझ जाना कि वो सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन। क्या भूत प्रेत तो नहीं है भैया यहाँ पे तुम्हारा, ये जो क्लासरूम है भूतिया तो नहीं है, पक्का ना, या चुड़ैले हैं? ओके, तो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये नहीं ये जो आप पोर्शन देख पा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन आइडियल तभी होगा जिस केस में आपका वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो जाए। यानी कि अगर 1 लीटर मिलाया, 1 लीटर दूसरे में मिलाया, तो दोनों मिला के 2 लीटर हो जाए। लेकिन अगर वो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं हुआ, उस केस में उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर सवाल है कि अगर डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, 0 से ज़्यादा या 0 से कम। इन केस अगर मैं इस बात को कंसीडर करूं, तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 से ज़्यादा भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है, क्योंकि वो 0 नहीं है। उस केस में नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे। एक को बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन और एक को बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन तब होगा जब डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो, और नेगेटिव डेविएशन तब होगा जब डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0। अब सवाल यह है कि आखिर ये होता क्यों है, इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर कोई भी वॉल्यूम 2 लीटर, हमने बचपन से हम लोगों को तो यही पढ़ाया गया है ना कि 1 लीटर दारू है, 1 लीटर पानी है, दोनों को आपस मिला लिया कितना बनेगा, 2 लीटर बनेगा। तो क्या हम लोगों को बचपन में बेवकूफ़ बनाया गया था या अभी तक बनाया जा रहा है? अब चेक करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपको जानना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि वॉल्यूम आखिर किस चिड़िया का नाम है, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आपने पहले हेडिंग डालिए आइडियल सॉल्यूशन और लिखिए अ सॉल्यूशन विच कैन फॉलो राउल्ट्स लॉ, अ सॉल्यूशन विच कैन फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अ सॉल्यूशन विच कैन फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। Called ideal solution. Called ideal solution. एक ऐसा solution जो किसी भी composition पे, किसी भी concentration पे Raoult's law को पूरी तरीके से follow करे बगैर किसी शर्त के, पूरी तरह से फॉलो करे, वो सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन है, तो उसकी सबसे पहले उसकी जो भी पॉइंट्स होंगे कि आखिर अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो इसके अंदर क्या क्या होगा, वो सारी कंडीशंस आप पहले से जानते हो। जैसे सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हो सकता है कि आपके दिमाग में आया कि आखिर ये डेल्टा वी मिक्सिंग होता क्या है। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब मैं बता देता हूँ। मान लो एक कंटेनर, इसमें V1 लीटर है, दूसरा कंटेनर इसमें V2 लीटर है, ठीक है। तो पहला वाला कंटेनर इसमें V1 है, दूसरा वाला कंटेनर V2 है, तो इस केस में दोनों को आपस में मिला दिया गया तो एक आया V3। अब बताओ V3 की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, V1 प्लस V2 होगी, यही तो होगा ना बेटा, हाँ या ना।
तो अब सवाल यह है कि आखिर डेल्टा वी क्या है? अगर ये वी वन प्लस वी टू हो गया वी थ्री की वैल्यू, तो समझ लेना आइडियल है। लेकिन अगर अब आप सोच रहे हो कि यह डेल्टा वी, तो बता दो पहले डेल्टा वी क्या है। अभी तो आपने वी थ्री बता दिया, आओ देखते हैं डेल्टा वी क्या था। मान लो ये एक लीटर है और ये भी वन लीटर है, इन दोनों को मिला के क्या बना गया? टू लीटर। तो उस केस में डेल्टा वी की वैल्यू होगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। डेल्टा वी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना हो गया? टू लीटर। वी इनिशियल कितना था? टू लीटर। तो आपने कहा टू माइनस टू का आंसर क्या हो गया? जीरो। तो डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सॉल्यूशन को दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने से पहले दोनों का वॉल्यूम कितना था और मिक्स करने के बाद दोनों का वॉल्यूम कितना हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे डेल्टा वी बोलते हैं। तो आइडियल के केस में डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो हो गया तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी हमेशा जीरो होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग हो गया तो क्या हो गया? डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो हो गया। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया? अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ी सी अंदर ये होना चाहिए ना क्यूरियोसिटी की आखिर ये आया कैसे, उसको जानने के लिए अभी थोड़ी देर रुक जाओ, फिर बताता हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात जिसको अभी अभी आपने सीखा था कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी टोटल की जो वैल्यू है वो क्या होती है? पी ए प्लस पी बी होती है। यही तो सीखा था ना बेटा पिछली क्लास में। ओके, चौथा पॉइंट, आपने कहा था सर पी ए की जो वैल्यू है वो है पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यही तो है राउल्स लॉ। पी बी की वैल्यू जो है बेटा, फिफ्थ पॉइंट, पी बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? पी बी नॉट इंटू एक्स बी। आपने कहा हाँ ये भाई, यही सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये सारे पॉइंट्स होंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब ये सारे पॉइंट हैं तो एक पॉइंट अभी और समझना बाकी है कि आखिर ये वॉल्यूम होता क्या है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा ये जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या है। तो एक बात बताते हैं, कोई मुझे बताएगा वॉल्यूम के डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का अपना एक वॉल्यूम होता है। वो वॉल्यूम होता है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मान लो किसी भी गैस है, ढेर सारे गैस है, ढेर सारे लिक्विड है, तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है वही वॉल्यूम होता है। अब इसको ऐसे समझा देता हूँ, देखना। मान लो मेरे पास ए है, ए क्या है बेटा? सॉल्वेंट। बी है, बी क्या है? सॉल्यूट। ए है सॉल्वेंट, बी है सॉल्यूट। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि डी ए ए क्या है, आप कहेंगे दो ए मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस। डी बी बी क्या है? दो बी मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस। और जब ए बी की बात आती है तो ए बी क्या होता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का में क्या होता है? डी ए बी, यानी कि एक ए और एक बी के बीच की डिस्टेंस। दो एटम हैं, इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है। सेम ऐसे ये सॉल्यूट है और ऐसे ये सॉल्वेंट है। जब ये सॉल्यूशन बनेंगे बेटा, तो इसके बीच की डिस्टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, तो इसका वॉल्यूम वी वन, इसका वॉल्यूम वी टू, इसका वॉल्यूम वी वन वी टू दोनों ऐड हो जाएंगे, काम हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों के मिलने के बाद इनके मॉलिक्यूल की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो बताओ क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगा? तो अब वॉल्यूम होता क्या? वॉल्यूम का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। अगर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम होगा, मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ गया तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। पहले वाले जब प्योर सॉल्वेंट था उस टाइम पे मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस डी ए ए था, बाद में जब सॉल्यूट हुआ तो उस टाइम पे मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस डी बी बी था, जब मैं सॉल्यूशन बनाया तो उस टाइम पे मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस डी ए बी है। तो इस केस में आइडियल सॉल्यूशन के केस में इनके मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। इस केस में आप कहेंगे कि डी ए दिस इज इक्वल्स टू डी बी बी दिस इज इक्वल्स टू डी ए बी। अच्छा, अगर डिस्टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं आया तो क्या इनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स में कोई चेंज आया होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ एफ ए ए, तो आप कहेंगे एफ ए ए इक्वल्स टू एफ बी बी दिस इज इक्वल्स टू एफ ए बी।
ना तो इनके बीच में डिस्टेंस में कोई चेंज आया मॉलिक्यूल के, ना ही इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस में कोई चेंज आया, ना तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा है और ना ही अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ है, इसलिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन बन गया। अब इस आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो पिछली बार ही मैंने आपको ग्राफ बता दिया था, लास्ट लेक्चर में ही बताया था। इस केस में एक्स ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0 हो जाती है, एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाती है। इस केस में पूरी तरीके से आप कहेंगे ये है पी ए नॉट, यहाँ पे आप कहते हैं ये है पी बी नॉट। अब इस तरीके से एक ग्राफ ऐसे बनता है, एक ग्राफ ऐसे बनता है और एक ग्राफ ऐसे बनता है। ये वाली जो लाइन है, बताओ ये लाइन कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, बताओ कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है? पी ए को, वेरी गुड। ये है पी ए, दिस इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये वाली लाइन बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पी बी को, पी बी दिस इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये वाली ऊपर वाली लाइन पी टोटल, दिस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। नॉर्मल कंडीशन में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए हमेशा याद रखेंगे कि सॉल्यूट इज मोर वोलाटाइल एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, ऐसा मान के चलेंगे जो भी क्वेश्चन होगा। लास्ट क्लास हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें जो जिसका प्रेशर ज़्यादा था उसको हमने क्या मान लिया था? सॉल्यूट, और जिसका प्रेशर कम था उसको हमने मान लिया था सॉल्वेंट। क्या ये बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड, ये रहा आपका पूरा आइडियल सॉल्यूशन जिसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर से एक बार बताइए, आइडियल सॉल्यूशन के दो, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन क्या बराबर होगा? हाँ या ना? ओके, आइडियल सॉल्यूशन में डिस्टेंस बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट, डिस्टेंस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड डिस्टेंस बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों बराबर होगा या क्या? हाँ बराबर होगा। आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी? जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी? जीरो। पी टोटल की वैल्यू पी ए प्लस पी बी होगी, पी ए की वैल्यू पी ए नॉट इंटू एक्स ए होगा, पी बी की वैल्यू पी बी नॉट इंटू एक्स बी होगी। अब जरा इसको ऐसे समझते हैं कि आपने कहा सर सब कुछ तो हमें सारे पॉइंट तो समझ में आ गए, लेकिन एक पॉइंट अभी भी समझ में नहीं आया, वो है डेल्टा एच मिक्सिंग कि ये जीरो कैसे हो गया, यानी कि ना तो एनर्जी कोई रिलीज हुई है और ना ही एनर्जी कोई गेन हुई है। अच्छा एक बात बताओ, बचपन से पढ़ाता आया हूँ और हर बार यही बोला है मैंने कि जब दो दो पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, और जब वो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं उस टाइम एनर्जी गेन होती है। अगर पार्टिकल पास आ गया तो एनर्जी रिलीज होगी यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, अगर पार्टिकल दूर चला गया एनर्जी गेन होगी यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। क्या यहाँ पे पार्टिकल दूर या पास आ रहे हैं? ना तो पास आ रहे हैं ना ही दूर जा रहे हैं, उस केस में बताओ क्या होगा? डेल्टा एच जीरो हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब अपने सुंदर सुंदर कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों से लिख लीजिए इसको, और उसके बाद फिर हम आइडियल खत्म हो गया, अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइए देखते हैं। तो अभी आइडियल सॉल्यूशन में आपने लिखा एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को हर जगह हमेशा बिना किसी कंडीशन का फॉलो करे, तो आप समझ गए होंगे अगर रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हेडिंग डालिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन और लिखिए इसमें सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ना फॉलो करो, कभी कभी फॉलो कर सकता है राउल्स लॉ को, लेकिन हमेशा नहीं। अ सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अ सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला है पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन। दोनों में एक तरफ से लिख, एक ही साथ लेके चल रहा हूँ।
पहले मैं पॉजिटिव डेविएशन लिख रहा हूँ, फिर नेगेटिव डेविएशन। ठीक, देखो बेटा, पॉजिटिव डेविएशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि जब दो मोल, हमने दो सॉल्यूशन ए और बी को आपस में, एक सॉल्वेंट ए और एक सॉल्यूट बी को आपस में मिला के सॉल्यूशन तैयार किया, तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स चेंज हुआ होगा। ए ए के बीच में अपना एक इंटरेक्शन रहा होगा यानी अट्रैक्शन फोर्स, बी बी के बीच में अपना एक इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्स रहा होगा। जब उन दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होगा ये या तो ज़्यादा या तो कम हो सकता है। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मान लो फोर्स कम हो गया, फोर्स कम होने से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो ए ए ए और बी का जो फोर्स है दिस इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए एंड या एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी। ए ए और बी बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ए बी का अट्रैक्शन फोर्स, इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स से अगर कम हो गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, प्यार कम होने से दूरियां बढ़ ही जाती हैं, सिंपल सा ये फैक्ट है। तो आपने देखा कि इसका मतलब ये हुआ कि डी ए बी की वैल्यू जो है दिस इज ग्रेटर देन डी ए ए एंड डी बी बी, मैं मान लिया। पहला पॉइंट आपने फोर्स बताया, दूसरा आपने उसके बीच का डिस्टेंस। अब अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेल्टा वी मिक्सिंग की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी यानी ग्रेटर देन जीरो, आपने कहा ठीक है। और डेल्टा वी मिक्सिंग अगर ग्रेटर देन जीरो है बेटा तो आपको पता चल गया। अब बताओ डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या होगा, क्या दोनों दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आए हैं या दूर गए हैं, दूर गए हैं। अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है उन्हें एनर्जी दी गई है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। तो अब आपके पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, अब राउल्स लॉ को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि पी टोटल की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी होगी, और साथ ही साथ पी ए की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन पी ए नॉट इन टू एक्स ए होगी, पी बी की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन पी बी नॉट इन टू एक्स बी होगी। कितना आसान है, कभी सोचा भी नहीं होगा इतना आसान कुछ होता है, सोच तो लिया ही मान लो। अच्छा चलो नेगेटिव डेविएशन बता दो फटाफट, बताओ अट्रैक्शन फोर्स एफ ए ए की ए बी की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया किसके कंपेयर में, एफ ए ए एंड एफ बी बी में, तो अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो दूरियाँ कम हो जाएंगी, यानी कि डी ए बी की जो वैल्यू है लेस देन डी ए ए एंड डी बी बी हो जाएगा। उस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लेस देन जीरो हो जाएगी, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी लेस देन जीरो हो जाएगी, पी टोटल की वैल्यू लेस देन पी ए प्लस पी बी हो जाएगी, और साथ ही साथ पी ए की जो वैल्यू है लेस देन पी ए नॉट इन टू एक्स ए हो जाएगा, पी बी की जो वैल्यू है लेस देन पी बी नॉट इन टू एक्स बी हो जाएगा। बस अब आइए इनका ग्राफ बना लेते हैं, एक ही जगह पे मैं इन दोनों का ग्राफ बना लेता हूँ। ये है आपका पी ए, सॉरी, और इसी के नीचे मैं नेगेटिव डेविएशन का भी ग्राफ बना देता हूँ, दोनों ग्राफ मैं एक साथ बना देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की वैल्यू सॉरी एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स बी की वैल्यू 0, एक्स बी की वैल्यू 1, यहाँ पे आया पी ए नॉट, यहाँ पे आया पी बी नॉट। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये ऐसा होना चाहिए था, आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, यहाँ पे सेम ऐसे एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की वैल्यू 0, एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स बी की वैल्यू 1, पी ए नॉट पी बी नॉट। बताओ आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग फिर से ये लाइन ऐसे ही जानी चाहिए थी, आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये लाइन ऐसे नहीं गई,
बल्कि पॉजिटिव डेविएशन में जो पी टोटल की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गई, थोड़ा सा बढ़ गया, तो पॉजिटिव डेविएशन में पी टोटल की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, पी ए की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है और पी बी की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, सब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जबकि नेगेटिव डेविएशन में ये जो लाइन है वो सारी चीज़ें नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि ये इसमें सब कम हो जाते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे हमारे पास दो डेविएशन, बताओ कौन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है इसमें, कौन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है? ऊपर वाला पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है और नीचे वाला नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। एक बार अपनी कॉपी में से नोट कर लें, आपके पास आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से पता चल गया। बेटा ये जो आप बना रहे हो ना, इसी के जस्ट इस पॉजिटिव डेविएशन के नीचे पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाया, नेगेटिव डेविएशन के नीचे नेगेटिव वाला ग्राफ बनाना। अभी मैं एग्जांपल भी लिखा देता हूँ दोनों का, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आपको इन एग्जांपल्स को देख करके ये बताना है कि इसमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो फिर उसमें पॉजिटिव डेविएशन कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन कौन सा होगा। इससे पहले कि आप ये सॉल्व करें, मैं इसका एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। जब एक जैसी दो चीज़ों को आपस में मिलाओगे तो हमेशा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अब दो अलग अलग चीज़ों को आपस में मिलाओगे तो डिपेंड करेगा कि क्या पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी या नहीं थी। मान लो अगर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और आपने कोई दूसरी चीज़ मिला दिया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल पास पास होते हैं और जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे तो डेविएशन पॉजिटिव होगा। या बाद में कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है तो डेविएशन हमेशा नेगेटिव होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एन हेक्जेन एंड एन हेप्टेन क्या एक जैसी चीज़ें हैं? तो क्या होगा ये आइडियल हो गया। आपने कहा सर ये आइडियल हो गया, बताओ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन एक जैसे हैं दोनों, ये भी क्या हो जाएंगे आइडियल। तो ये हो गया आइडियल। ओके, बेंजीन एंड टोलुइन क्या दोनों एक जैसे हैं? ये सब होमोलॉगस सीरीज हैं, तो ये क्या हो जाएगा आइडियल। तो आपने आइडियल के तीन एग्जाम्पल देख लिए। अगला बताओ इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल, अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जैसे ही एसीटोन आपने अल्कोहल में डाला तो दो अल्कोहल के बीच में एक एसीटोन आ गया, तो उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा और उसकी वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। तो बताओ पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन आपने कहा, यह हो गया पॉजिटिव डेविएशन। ओके, इथेनॉल और वाटर क्या इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा है ना? वाटर का अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथेनॉल का अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों आपस में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते तो ना स्ट्रांग नहीं बन पाता है, इस वजह से यहाँ पे भी जो डेविएशन होगा वो कौन सा डेविएशन होगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। ओके, इधर देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जब एक दूसरे के साथ मिलता है तो इन दोनों के बीच में स्लाइटली अट्रैक्शन फोर्स होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसीटोन का फॉर्मूला क्या है CH3 डबल बॉन्ड O और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है CCl और Cl। इसके बताओ इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की वजह से, तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, सॉरी क्लोरीन जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉ करने की वजह से इसके ऊपर स्लाइटली कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसकी वजह से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड ऐसे घूमेगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसकी वजह से दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। बताओ डेविएशन कौन सा होगा? मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं तो डेविएशन नेगेटिव हो गया। अब बताओ इन नाइट्रिक एसिड और वाटर, इन दोनों का भी डेविएशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन। फिर से एक बार देखें, अगर दो होमोलॉगस सीरीज एक दूसरे से मिले हुए हैं तो उसमें हमेशा डेविएशन, कोई भी आइडियल सॉल्यूशन वो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन नहीं होगा, हमेशा सॉल्यूशन आइडियल बनेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से है बाद में ब्रेक हो जा रही तो सॉल्यूशन डेविएशन पॉजिटिव होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाद में बन जा रही है तो डेविएशन नेगेटिव होगा। चलिए, ये रहा आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि मैंने अभी अभी लिखवा दिया।
अब हमारा अगला जो टास्क होगा इसी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बेस मान करके हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे।